स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मांग वक्र की दिशा में गति, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, मांग वक्र में शिफ्ट। सो लेट स्टार्ट। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मांग वक्र की दिशा में गति। तो ये मांग वक्र की दिशा में गति है जिसमें हम लोग एक ही डिमांड कर्व पे मूव करते हैं, ठीक है। एक दूसरा डिमांड कर्व ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि शिफ्ट नहीं होता है। ये क्या होता है कि एक ही डिमांड कर्व पे हम लोगों को मूवमेंट करना रहता है, चाहे अप हो या फिर डाउन हो। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है प्राइस पे, ठीक है। प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड भी कम हो जाता है, और प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है, जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले वीडियो में देखा था, ठीक है। अगर प्राइस पे डिपेंड करेगा तो वो बस इस डिमांड कर्व पे मूव करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो ये हो जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। तहत फिर हमें क्या मिलता है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये एक डिमांड कर्व है, और इसमें मानिए कि इतना प्राइस में, प्राइस इसका हम ले लेते हैं 20 प्राइस में ये क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा है? मानिए कि 100 हो रहा है, ठीक है। अब अगर प्राइस अगर इसका डिक्रीज होता है, मानिए कि ये यहाँ से यहाँ आ गया और प्राइस हो गया इसका 15, तो ये डिमांड कर्व जो है ये क्या होगा? डिमांड कर्व नीचे की तरफ ये शिफ्ट करेगा, और ये क्या हो जाएगा? मानिए कि ये हो जाता है 150, ठीक है। तो जब डिमांड कर्व या जब प्राइस यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट हो रहा है, तो इसका डिमांड भी जो है वो कितना इंक्रीज कर रहा है? इतना इंक्रीज कर रहा है। और अगर मानिए कि इसका प्राइस अगर राइज होता है, मानिए कि 20 के बदले इसका प्राइस 25 हो जाता है, तो इसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितना हो जाएगा? वो मान लीजिए कि 50 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब प्राइस जब यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो गया? यहाँ से यहाँ फॉल हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट, ये जो है ये डाउनवर्ड मूवमेंट जब होता है प्राइस का, ठीक है, तो क्या होता है कि डिमांड में एक्सपांसन होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग एक्सपांसन कहते हैं। और जब प्राइस जब इंक्रीज होता है तो डिमांड जो है कम हो जाता है, तो इसे हम लोग कंट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक तरफ ये जब डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो क्या होता है? एक्सपांसन होता है। जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है डाउनवर्ड मूवमेंट इन प्राइस लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट इन प्राइस लीड्स टू एक्सपांसन, ठीक है। एक्सपांसन इन क्वांटिटी डिमांडेड ठीक है। और वैसे ही इसका ऑपोजिट होगा अपवर्ड मूवमेंट
in price leads to contraction in quantity demanded. Shift in the demand curve, मांग वक्र में shift, ठीक है? तो shift का मतलब क्या होता है? या तो leftward shift या फिर rightward shift, ठीक है? Rightward shift जो होता है, वो होता है increase in demand और leftward shift जो होता है, वो होता है decrease in demand, ठीक है? तो shift in the demand curve को हम लोग change in demand के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? Change in demand, ठीक है? Change in quantity demanded नहीं, only change in demand, ठीक है? बस demand में बदलाव होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि shift in the demand curve में क्या होता है कि price जो है वो stagnant रहता है, ठीक है? वो constant रहता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि price जो है यहाँ पे 20 है, ठीक है? और ये हो गया हम लोग का demand curve. अगर मानिए कि किसी वजह से अगर कंज्यूमर का डिमांड अगर बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा. और ये मान लीजिए कि ये हो गया D1, तो अभी ये इतना क्वांटिटी ले रहा था, लेकिन जब डिमांड शिफ्ट करेगा राइटवर्ड में तो उसका जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो इतना मात्रा अधिक लेगा, ठीक है? और जब मानिए कि किसी वजह से उसका डिमांड जो है अगर कम होता है तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और मानिए कि वो इतना मात्रा ले रहा है और ये 20 पहले वो ले रहा था, अब वो 10 ले रहा है, ठीक है? वो 10 ले रहा है, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया. और लेफ्टवर्ड का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि उसका जो मात्रा है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है? उसका मात्रा यहाँ से यहाँ तक कम हो गया, ठीक है? और लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है और प्राइस जो है टिका हुआ है 20 पे, जबकि इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, ठीक है? तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का, मानिए कि डिमांड ऑफ एक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो फंक्शन है किन किन चीजों का, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट, प्रिफरेंसेस एंड अदर थिंग्स, ठीक है? इन सारे चीजों पे डिपेंड करता है. यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि डिमांड ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स ये तो कंस्टेंट है, इसमें कोई ना ही तो वृद्धि हो रही है और ना ही ये कम हो रही है, ठीक है? तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है. लेकिन इन सारे चीजों में चेंज की वजह से ही ये शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होता है, ठीक है? शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इन सारे चीजों के वजह से होता है. प्राइस ऑफ एक्स को छोड़ के इन सारे चीजों में अगर बदलाव होता है तो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व होता है. मानिए कि अगर जो रिलेटेड आइटम्स हैं, जैसे कि जो सब्स्टिट्यूट्स है या फिर जो कम्प्लीमेंट्स है, उनमें उनके प्राइस में अगर बदलाव हुआ तो डिमांड में शिफ्ट होगा. अगर मानिए कि कंज्यूमर का जो इनकम है वो उसमें अगर बदलाव होता है तो शिफ्ट इन द डिमांड होगा. अगर कंज्यूमर के टेस्ट में बदलाव होता है या फिर प्रिफ्रेंसेज में बदलाव होता है तो इसमें चेंज होगा, ये शिफ्ट होगा, ठीक है? और बहुत सारी चीजें हैं जो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं. उन सारी चीजों में जब बदलाव होगा तब ये जो डिमांड कर्व है वो चेंज होगा, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. पार्ट 1, 2, 3, 4 के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को.